आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज़ है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बागपत मोदीनगर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार एवं पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने मोदीनगर कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर व फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फैजल हुसैन, महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनीत त्यागी के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या रणनीति है? राजनीति होती है वो रणनीति अगर मैं आपको बता दूंगा तो मैं क्या करूँगा। सर आप क्षेत्र में जाएंगे, आपके विकास के मुद्दे किस मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा हमारा है वो भाईचारे का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। इतने वर्षों से ये क्षेत्र पिछड़ा पड़ा है, उसका मुद्दा मुकाबला किससे मान है? चुनाव में जब प्रत्याशी खड़े होते हैं तो ये बात ठीक है कि मुकाबला किससे होता है, लेकिन यहाँ जो मुख्य चुनाव है वैसे तो हमारा मुकाबला किसी से है नहीं। हमारा मुकाबला तो यहाँ का जो सिस्टम है उससे है कि वो सिस्टम अगर न्यूट्रल रहा तो हमारा किससे मुकाबला नहीं। मोदी जी कह रहे हैं आपकी बात 400 बार, मैं तो नहीं रोक सकता हूँ वो कैसे हुए। मैं कह रहा हूँ कि आपकी बार 400 हार। जनता से क्या कहेंगे? जनता से यही अपील करूंगा कि देखिए आज के माहौल को देखें, ये जो भाईचारे के बीच में एक दरार पैदा की गई है, हमें झुंझुना थमाया जाता है, झूठ हमारे बीच में परोसा जाता है, उससे मुक्ति हमें पानी है। जो हमारे युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार में हमें लाना है, ना कि उनको हमें किसी के अधीन करना है। हम यही कहेंगे कि देश की तरक्की के लिए इन झूठे लोगों को हटाना है, ऐसे लोगों को हटाना है जो देश को भ्रमित करके और सिर्फ एक स्टेट के लोग ही काबिज होते जा रहे हैं, बाकी देश बिल्कुल खड्डे में जा रहा है। मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि यहाँ का जो शासन पहले रहा है, 10 साल पहले का जो शासन था उसको दोबारा मत आने देना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं तो सीधा सीधा संदेश दे रहा हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है और उसका आपके साथ गठबंधन है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में वो जेल में बंद है, किसी ने साबित किया क्या? आरोप है, आरोप तो मैं भी आप पे लगा देता हूँ। कुछ स्पेक्ट्रम घोटाले का इतना बड़ा आरोप लगा, कहीं कुछ साबित हुआ? हाई कोर्ट ने खुलेआम फटकार लगाई कि 2 रुपए का भ्रष्टाचार आपने दिखा सके। अब ये तो मुझे ठाके बंद कर दो, कह दो जी इन पर ये मामला है, अब बाद में देखी जाएगी। तो ये सब आरोप तो किसी पे भी लगा दो, आरोप ये है कि भाजपा चुनाव हार रही है, ये बौखला। लेकिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मैंने अभी तो आपसे कहा, एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले था आपको, जनता के बीच में हमारा सबसे मेन मुद्दा है, हम आपस में भाईचारा बना के रखना चाहते हैं और एक दूसरे का मान सम्मान बराबर रहे, उसको लेकर हम चलना चाहते हैं। हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चाहते, यही हमारी अपील। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।